हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको लेके पहुंचे हैं बनारस रेलवे स्टेशन मड़वाड़ी। तो ये यात्रा हम आपको करा रहे हैं G20 के बाबत भी, क्योंकि G20 में स्टेशन की खास सज्जा की गई है। तो वही हम आपको दिखाना चाहेंगे कि G20 में कितना अच्छा ये सजा हुआ है। आप अपनी आँखों से देख सकेंगे शहर में क्या बदलाव आए हैं और उसको एक्सपीरियंस कर सकें, और साथ में साथ ये भी एक ठान लें कि हमको अपने शहर को ऐसे ही सुंदर और स्वच्छ बनाए रखना है। तो देखिए, पीछे जो है ये बरेका बनारस रेल इंजन कारखाना द्वारा बनाया गया इंजन खड़ा है। देखिए, ये है इंजन, पूरा दाएं से बाएं हम आपको घुमा के कैमरा दिखा रहे हैं। तो ये है हमारा इंजन, और पीछे है स्टेशन। अभी आपको स्टेशन फ्रेम में आ गया होगा, उसमें लिखा हुआ है बनारस। एक डोम इसका ये है, और दूसरा डोम दिखाने के लिए हम कैमरे को घुमाते हैं पूरा। तो उधर आपको दिखेगा दूसरा डोम। तो दूसरा डोम अभी बाई चांस जो है इंजन के पीछे हो गया, लेकिन हम चारों तरफ घुमा के कैमरा आपको दिखा देते हैं पूरा चल के और घुमा के। तो देखिए, इधर जो बाएं तरफ आप देखेंगे तो इधर जो है एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड बना हुआ है। ये देखिए, वाटर बॉडी या पॉन्ड है इधर। देखिए, तो एक पॉन्ड बना हुआ है, आप देख रहे हो। इसमें फवारे भी लगे हुए हैं, तो फवारे भी चलते हैं और चल रहे हैं। इन पर फवारे देखिए चल रहे हैं, लाइट नहीं जली है तो, लेकिन बिना लाइट के आप देख सकते हैं। हम चलें पास में तो आपको दिखा देते हैं। चलिए, और पीछे इंजन देखिए पूरा फ्रेम में आ गया। अभी आप इंजन देखिए ध्यान से, तो ये है इंजन। और अभी देखिए जो फवारे जो हैं, हवा आज अच्छी। दोस्तों, ये वीडियो हमने खास तौर से रात में इसलिए बनाया कि दिन में बड़ी धूप रहती है, गर्मी रहती है, और कोई दिन में तो देखने आता भी नहीं होगा। तो रात का व्यू ही लोग देखते हैं, और रात का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए स्टेशन, तो ये स्टेशन, ये देखिए एक डोम दिखा आपको, अभी दोनों डोम दिख रहे हैं। हाँ देखिए, तो इधर एक डोम दिखाइए, पीछे देखिए एक डोम, बनारस लिखा हुआ है वहाँ। और फिर ये हॉल है, इसके बाद देखिए ये जो है दूसरा डोम यहाँ पे, ये वाला दिस इज़ द सेकेंड डोम, ये दूसरा डोम है स्टेशन का। और ये रेलवे इंजन है, पीछे जो है रेलवे इंजन है, ये खड़ा हुआ है। और अभी हम कैमरा घुमा के आपको फवारा दिखाते हैं। देखिए, ये आ गया फवारा चलता हुआ, आपको दिख रहा होगा। ये फवारा है और वाटर बॉडी है जिसमें कि फवारे लगे हुए हैं, तो फवारे बड़े सुंदर लग रहे हैं। और आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये परिसर बड़ा ही भव्य और सुंदर परिसर है बनारस रेलवे स्टेशन का। दूसरी तरफ जो एक तरफ फवारा और पॉन्ड है, सामने क्या है देखिए, सामने अब दिखता है आपको। ये देखिए, यहाँ पे एक पोल लगा है, उस पर एक बहुत विशाल तिरंगा रहता है, अभी मेंटेनेंस के लिए लगता है हटाया गया है। और उसके नीचे जो है आई लव बनारस, देखिए वहाँ पे लिखा आई लव बनारस, वहाँ लोग सेल्फी लेते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हम पास चल के दिखाते हैं आपको, तब तक पीछे जो कैमरा जाएगा तो आप देख सकते हैं ये डोम और जो पॉन्ड है और फवारे हैं। हम आपको ले चल रहे हैं, और साथ में आप कैमरे को बैक कैमरे में करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, यहाँ लिखा है आई लव बनारस। तो यहाँ लोग फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, और सेल्फी का जो पॉइंट है वो देखिए यहाँ, ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ से लोग सेल्फी लेते हैं। ये है, और ये झंडे के पास जाने का ये है, और उधर एक नंदी भी बने हुए हैं। अंधेरे में थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्या दिखिए, ये देखिए नंदी, वहाँ भी लोग चढ़ गए थे। ये है, और ये डोम, ये यात्री सुविधा हॉल, उधर दूसरा डोम, और सामने इंजन खड़ा है। इंजन के सामने भी एक फवारा है जिसमें 6 धाराएं हैं निकल रही, और हाइट थोड़ी कम रखी गई है उसकी। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए ये इंजन देखिए चारों तरफ, ये देखिए 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये है फवारा। और यहाँ एक सिग्नल भी बनाया गया, वाह, इंजन होगा तो सिग्नल क्यों नहीं होगा, तो सिग्नल भी यहाँ देखिए लगा। अब हम चलते हैं हॉल में, देखिए सामने लिखा है बनारस, बनारस पहले संस्कृत फिर इंग्लिश फिर हिंदी और फिर उर्दू में लिखा हुआ है, और ये है मेन यात्री हॉल।
मेन यात्री हॉल में देखिए बाएं तरफ एक्सरे की मशीन है, ये सभी लोगों को जो सामान लेके आते हैं एक्सरे कराना पड़ता है, एक्सरे करा के दूसरी तरफ से सामान लेके अंदर। तो ये है यात्री हॉल, कितना सज्जित है देखिए, बहुत सजा हुआ है। और सामने देखिए वो दिख रहा है अर्धनारीश्वर का रूप है, शिव भगवान का, और उसमें फवारा निकलता है। फवारा लगता है चल चुका है, दीवारें कुछ गीली दिख रही हैं, फिलहाल बंद हो गया। तो यह है फवारा, एयरपोर्ट से लिखा बना है ये जो स्टेशन, और एक स्टेशन एक उत्पाद के स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं। कुछ स्टॉक आया है, केटलियाँ दिख रही हैं, आपको दिखाते हैं पास से केटलियाँ कितनी सुंदर। तो ये देखिए नए प्रोडक्ट आए इनके, एक स्टेशन एक उत्पाद के। ये गुल्लक है भैया, कितने पैसे का है? 700 60 रुपया 60। अरे बहुत सस्ता है, बहुत सस्ते गुल्लक हैं, आप सब लोग इसे खरीदिए। एक स्टेशन एक उत्पाद, और एक तवा है देखिए, हम इसको अपने YouTube चैनल पर डाल रहे हैं, लोग देखेंगे और आएंगे आपके यहाँ, ठीक है, खरीदेंगे। तो चैनल का नाम आपको बता दें, आप तो वही है ना जो हमसे एक बार आप मिले थे सेलर चैनल। हाँ हाँ करेक्ट, वही। ये है बेटा देखो, देखा ट्रेवलर, ठीक है। तो हमारे चैनल पे हम ये वीडियो होस्ट करेंगे जिससे और लोग आए आपके पास, ठीक है। ये फिर एक बार फवारा दिखाते हैं, वो अंदर चलेंगे। तो अंदर जो गाड़ी खड़ी है वो बड़ी विशेष गाड़ी है, वो आपको मालूम होगा कि काशी में बनारस में ज्योतिर्लिंग है बाबा विश्वनाथ धाम, और रामेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। तो ये गाड़ी जो खड़ी है सामने है, ये गाड़ी जो है रामेश्वरम जाती है, बनारस रामेश्वरम एक्सप्रेस 22536 इसका नंबर है। ये देखिए पूरा प्लेटफॉर्म यात्रियों से भरा हुआ, ट्रेन में चढ़ने को तैयार, ट्रेन में बैठ रहे हैं। बनारस रामेश्वरम एक्सप्रेस 22536 दो ज्योतिर्लिंगों को जोड़ रही है, बनारस को रामेश्वरम से जोड़ रही है। तो ये ट्रेन बहुत खास है, बहुत विशेष है, दो ज्योतिर्लिंगों को जोड़ रही है। तो आपको अगर रामेश्वरम का दर्शन करना है तो इस गाड़ी से जाइए, और हम फिर एक बार इसका नंबर और नाम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा साहब, बनारस रामेश्वरम एक्सप्रेस, ये इस ट्रेन का नाम है और नंबर है 22536। बहुत ही सज्जित स्टेशन है दोस्तों, और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो नया साइड है प्लेटफॉर्म नंबर 8, उस तरफ का ये साइड है, और हम आपको थोड़ा दिखाएंगे जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जो पहले से ही अस्तित्व में था, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी जा रहे हैं उस तरफ हम, चैनल पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। दोस्तों हम चल रहे हैं वापस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, आप सबसे भी अनुरोध है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, बी सेफ बी हेल्दी। और पीछे देखिए बनारस स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ का हॉल है आपको दिख रहा है, और ऊपर लिखा हुआ है बनारस। तो बनारस स्टेशन दिखाते हुए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल शेखर ट्रेवलर्स प्लस को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन है उसे दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सभी वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और सुपर थैंक जरूर खरीदिए। इसी के साथ अब हम चलते हैं वापस घर की ओर, और आपको नित नवीन वीडियो हम दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को पूरा समर्थन दीजिए और देखते रहिए।